एबीपीएस न्यूज़। एबीपीएस न्यूज़ टीम आगे बढ़ते हुए ब्लॉक डिलारी स्थित धारक नगला गांव पहुंची। लगभग 4600 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 24 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से इस ग्राम पंचायत की दूरी मात्र 8 किलोमीटर ही है। वर्तमान समय में इस गांव की प्रधान मूर्ति देवी हैं। इस गांव में कुल वोटरों की संख्या लगभग 2500 बताई गई तो वहीं राशन कार्ड धारकों की संख्या 400 के करीब नजर आती है। वर्तमान समय के प्रधान ने बताया कि उन्होंने गांव में सीसी सड़कों का निर्माण करवाया है, साथ ही सोलर लाइटों की व्यवस्था भी ग्रामीणों के लिए कराई है। उन्होंने बताया कि गांव को शौचमुक्त बनाने के उद्देश्य से गांव में शौचालयों का निर्माण भी करवाया गया है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आने वाले सभी पात्रों को आवास भी मुहैया करा दिए गए हैं। बात अगर शिक्षा की करें तो इस गांव में प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों में लगभग 222 शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करते हुए नजर आए। वहीं गांव में आने वाले सभी तरीके के लाभों जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन व विकलांग पेंशन के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी भी पूरी तरह से लाभान्वित होते नजर आए। ग्राम प्रधान ने बताया कि गांव में हैंडपंपों की संख्या 25 है व उनके द्वारा लगवाए गए बिजली पोल लगभग 150 व बिजली ट्रांसफार्मर 2 है। ग्राम प्रधान ने एबीपीएस न्यूज टीम के माध्यम से राज्य सरकार व केंद्र सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द फंड को दुरुस्त कराया जाए जिससे वह गांव में विकास कार्य और तेजी से कर सके। वहीं ग्रामीणों ने भी कैमरे के सामने प्रधान द्वारा कराए गए सभी कार्यों की समीक्षा की और बताया कि प्रधान द्वारा अच्छी तरीके से कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पानी की निकासी की व्यवस्था बेहद ही खराब है, साथ ही यह भी बताया कि गांव में स्वास्थ्य सेवाएं भी बिल्कुल ना के बराबर है, जिससे छोटी से छोटी बीमारी के लिए उन्हें शहर की तरफ भागना पड़ता है। मैं ग्राम प्रधान पुत्र हूँ, मेरा नाम दीपेंद्र कुमार है। हमने गांव का अच्छा विकास किया है, 100 रोड गायें लगवाई हैं, शौचालय बनवाए हैं, टाइल्स लगवाई हैं, और मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूँ कि हमें अधिक से अधिक धन दिया जाए और जो कि गांव का विकास पूर्ण रूप से करा जाए। रहने वाली हूँ और हमारे प्रधान जी ने बहुत अच्छा कार्य करा। यहाँ की रहने वाली हूँ, प्रेमवती मेरा नाम है। प्रधान जी ने बहुत अच्छा करा है, नल भी लगवाया है और चौके बिछवाए। यहाँ पे बहुत विकास हुआ, यहाँ पे सभी गांव अच्छे हुए हैं, यहाँ पे सौर ऊर्जा लगी हैं, टैल से बिछी हैं, खड़ंजे हुए हैं, सभी गांव अच्छे हुए हैं।